अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 17 वेव्स 2 प्रॉब्लम 43। हमें एक फिग दिखाई जा रही है जिसमें एक स्पीकर दिखाया जा रहा है और उसके सामने एक सिलेंडर पाइप दिखाया जा रहा है। वो कहता है स्मॉल स्पीकर है जो ऑडियो ऑसिलेटर है, फ्रीक्वेंसी उसकी 1000 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में वेरी करती है। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, टू एंड्स ओपन है यानी दोनों सिरे उसके क्या है ओपन रखे गए हैं, और उसकी लंबाई कितनी है 45.7 सेंटीमीटर है और उसमें जो एयर चलती है 344 मीटर पर सेकंड से चलती है। वो कहते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी पे साउंड जो है रेजोनेंस करेगी पाइप में, लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस होगी वो निकालनी है। तो जनाब हम जानते हैं कि वी इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा 2L/N होगा, यहाँ से हमने वो लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दिया, एफ को एक साइड पे कर लेंगे, एन वी ओवर 2L आ जाएगा। अब हमें आप एन नहीं पता भाई, उसने ये तो पूछा हाउ मैनी, एन बताना है। तो 344 हमें स्पीड दे दी गई थी, लंबाई हमें पता थी, तो 376.4 एन हर्ट्ज आ जाएगा। अब एन निकालने के लिए एन को साइड पे कर लेते हैं एफ के, तो पहले हम उसकी लोअर लिमिट देखते हैं, 1000 हर्ट्ज पे चेक करते हैं तो 2.66 हर्ट्ज आएगा। फिर अपर लिमिट पे देखते हैं तो वो आपके पास 5.32 हर्ट्ज आएगा। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो इंटीग्रल मल्टीपल टू इस सारे के बीच में क्या क्या आ जाएगा, 3, 4, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वो एन की वैल्यूज होंगी जहां पे आपकी रेजोनेंस अकर कर सकती है। तो इसमें से लोएस्ट कौन सी है, पहला केस तो लोएस्ट 3 है, तो हम फंडामेंटल के साथ जो उसने हमें दी हुई थी कि आपके पास 3, 4, 76 पॉइंट एन था, उस एन के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1129 हर्ट्ज आ जाएगी। फिर इसी तरीके से सेकंड लोएस्ट कौन सी है, 4 हो जाएगी, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एन की वैल्यू को, तो वो आपके पास 1506 हर्ट्ज आ जाएगी। तो ये जना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।